दोस्तों, इस देश में भी हर साल हमारे देश भारत की ही तरह होली का त्योहार मनाया जाता है। और अगर आप लोग यहाँ की लड़कियों को देख ले तो मानो आपके होश ही उड़ जाएंगे। साथ ही इस देश ने दुनिया को लियोनेल मेसी जैसा फुटबॉल प्लेयर भी दिया है। जी नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश के बारे में, जो कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है, और इस देश का नाम है स्पेन। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दे और हमारे साथ सफर के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, स्पेन की कुल जनसंख्या है 4,70,00,000 और इसका ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ स्पेन। साथ ही ये देश 5,05,990 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यह बोले जाने वाली आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। और आपको यकीन नहीं होगा कि स्पेनिश भाषा को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप लोग बुल फाइट के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ, स्पेन का नेशनल एनिमल है बुल, और यह हर साल बुल फाइटिंग भी कराई जाती है। और आपको जानकर शोक लगेगा कि हर साल इस देश में इस खेल के चलते 150 से 200 लोग अपनी जान खो बैठते हैं। बल्कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेन देश की सभ्यता सबसे ज्यादा पुरानी है, और इस देश से दुनिया ने बहुत सी बातें सीखी है जो कि आज पूरी दुनिया के काम आ रही है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि स्पेन पुराने समय में केवल एक देश नहीं बल्कि एक पूरा साम्राज्य था। और इसके साथ ही बता दे कि यहाँ बहुत से राजाओं ने राज भी किया है, लेकिन उनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ ही होती रहती थी। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी स्पेन के दो बड़े शहरों में आपस में कभी बनती नहीं है। स्पेन के नेशनल एंथम में कोई भी शब्द नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है कि वो देश जहाँ हर किसी को गाना पसंद होता है, और यहाँ हर गली में आपको कोई ना कोई व्यक्ति नाचता जरूर मिलेगा, वहाँ के नेशनल एंथम में कोई भी शब्द नहीं है। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि स्पेन में भारत से भी ज्यादा अच्छे तरीके से होली मनाई जाती है? और आपको जानकर झटका लगेगा कि इस देश में होली का त्योहार रंग या गुलाल से नहीं बल्कि टमाटर से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग एक दूसरे पर रंग या पानी नहीं फेंकते, यहाँ के लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। स्पेन में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट है फुटबॉल, और यहाँ का हर व्यक्ति इसको देखना और खेलना पसंद करता है। साथ ही आप लोग लियोनेल मेसी को तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस देश ने दुनिया को बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर भी दिए हैं, जिनमें से लियोनेल मेसी सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। देश की आबादी के 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग गाँव में, और यही इस देश की तरक्की का राज बनता है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी शहरों में रहना ही पसंद करती है और वह अपने देश की तरक्की में हाथ बढ़ाती है। स्पेन का टूरिज्म भी बहुत ही बड़ा है, और आप सबको बता दूं कि यह हर साल 5,00,000,000 से ज्यादा लोग यहाँ की खूबसूरती और पुरानी सभ्यताओं को देखने के लिए आना पसंद करते हैं। वैसे तो यहाँ के लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते, लेकिन अगर कोई यहाँ के रूलर के बारे में अगर कुछ भी बात बोल देता है तो ये लोग बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाते। ये देश अपने जायके के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। आपको बता दूं कि यहाँ आपको खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ का ऑमलेट, जिसको यहाँ टोर्शिला स्पाना के नाम से जाना जाता है, ऐसा ऑमलेट आपको पूरी दुनिया में कहीं भी खाने को नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ आपको हर व्यक्ति बियर का बहुत ही ज्यादा शौकीन मिलेगा। स्पेन का डाइवोर्स रेट भी सबसे कम पाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश को लव बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की लड़कियाँ बेहद ही ज्यादा खूबसूरत और कमाल की पाई जाती है। दोस्तों, स्पेन देश ने ही हमें एक बेहद ही बेहतरीन वेब सीरीज भी दी है, जो कि पूरी दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और उसको हम मनी हाइस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेन देश का एक अनोखा सफर। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि आप सबको आने वाली हमारी न्यू वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए सफर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।